वीडियो गेम में जो खून गिरेगा वो असली होगा। तुम्हारे दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे। मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से तुमने जैसे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना तू कौन है? कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे पांच रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं? गलत आदमी से मिल लिया। अभी सिर्फ दो बात, माइक टायसन मोहम्मद अली ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दो, पर ये पांच ईंटा तोड़ना गाड़ी तोड़ना आज से बंद। वहां कड़ा मुकाबला होगा। जो खून गिरेगा वो असली होगा। तुम्हारे दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे। मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से तुमने जैसे अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। तेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे पांच रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं? गलत आदमी से मिल लिया। अभी सिर्फ दो बात, माइक टायसन मोहम्मद अली ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकालकर फेंक दो, पर ये पांच ईंटा तोड़ना गाड़ी तोड़ना आज से बंद। वहां कड़ा मुकाबला होगा। जो खून गिरेगा वो असली होगा।
तुम्हारे दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे। मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से तुमने जैसे मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना तू कौन है? कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। मेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सीखा। दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे। मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तेरी लड़ाई खुद से तुमने जैसे अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। मेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, तेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल करना चाहिए। तुम मुझे 5 रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सीखा। गलत आदमी से मिल लिया, अभी सिर्फ दो बात। माइक टायसन मोहम्मद अली ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, अरे 5 ईंटा तोड़ना गाड़ी तोड़ना आज से बंद। आंकड़ा मुकाबला होगा। दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे। मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा, क्योंकि तेरी लड़ाई
से डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। अरे ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अपना कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। मेरे से ज्यादा चांद रात देखा है मैं, मेरे को वही सिखा रहा है जो मैं सीखा है। तेरा सपना तेरा सच्चाई से मेल खाना चाहिए। तुम मुझे पांच रीजन बताओ कि मैं तुमको बॉक्सिंग क्यों सिखाऊं। गलत आदमी से भर लिया। अभी सिर्फ दो बात, माइक टायसन मोहम्मद अली ब्रूस ली को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो, अरे पांच ईंटा तोड़ना गाड़ी तोड़ना आज से बंद। आंकड़ा मुकाबला होगा। जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई है एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बता दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्म बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट
पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दो कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दे कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दे कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हैं। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे। तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दे कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा।
लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। एंड दोस्तों भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और ज़बरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज़्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वहीं दोस्तों अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज़ की क्रेज़ देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है। क्योंकि 2019 के बाद जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज़ रिलीज हुई वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं। क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ज़माना ऐसा था जहाँ साउथ इंडियन फिल्मों को कोई दिखता भी नहीं था, सब लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही दिखते थे और फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी भी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की ही होती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी साउथ इंडियन स्टार की है और फैन फॉलोइंग भी साउथ इंडियन स्टार की ही है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं साउथ मूवीज़ को, क्योंकि साउथ फिल्म की हर फिल्म अलग ही टाइप की होती है। जैसे लोग पसंद करते हैं एंड जैसे लोग ने सोचा होता है उसी हिसाब के एंटरटेनमेंट साउथ मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी अब इंडिया में बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी टॉलीवुड मूवीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि टॉलीवुड को इस लेवल तक ले जाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। पहले साउथ फिल्म स्टार्स ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते थे और इन फिल्मों को थिएटरों में भी रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बॉलीवुड स्टार से भी बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं एंड इन फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटर में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड साउथ फिल्म की ही होती है। जैसे जैसे लोग साउथ फिल्मों को पसंद करने लगे उस हिसाब से इन फिल्मों का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जोक्स एंड कॉमेडीज लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने और खुश करने लायक होते हैं।
इसी वजह से भी जितनी पॉपुलैरिटी हीरो की है उतनी ही पॉपुलैरिटी साउथ मूवीज़ के कॉमेडियंस की भी होती है। एंड बात करें साउथ मूवीज़ की एक्ट्रेस की, तो इन एक्ट्रेस के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि साउथ फिल्म की एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ग्लैमरस होती है, और लोग इन हीरोइन की अदाकारी और लुक्स पे मर मिटते हैं। एंड फैंस आपको बता दें कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर्स भी टॉलीवुड में जुड़ने लगे हैं। एंड फैंस कई फिल्म मेकर्स एक्टर और एक्ट्रेस ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू कर चुके हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफ़ी कुछ सीख पाते हैं और काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दे कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था, और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहां भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं।
लाइगर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बता दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है, तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं, ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। एंड दोस्तों भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो, लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था, उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे।
एंड वही दोस्तों, अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज़ की क्रेज़ देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज़ होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाया और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज़ रिलीज हुई वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला, उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दे कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवर
एबरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। लाइगर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई है एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दे कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दे कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड के काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दे कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वही बता कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्म बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है, तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस
फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दे कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों, क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। एंड दोस्तों, भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था, तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों, 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वहीं दोस्तों, अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितने भी बॉलीवुड मूवीज बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज रिलीज हुई वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला, उस टाइम से बॉलीवुड की जितने भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफी ज्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज्यादा पसंद करते हैं। एक जमाना ऐसा था जहां साउथ इंडियन फिल्मों को कोई दिखता भी नहीं था, सब लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही दिखते थे, और फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी भी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की ही होती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी साउथ इंडियन स्टार की है और फैन फॉलोइंग भी साउथ इंडियन स्टार की ही है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं साउथ मूवीज़ को, क्योंकि साउथ फिल्म की हर फिल्म अलग ही टाइप की होती है, जैसे लोग पसंद करते हैं एंड जैसे लोग ने सोचा होता है उसी हिसाब के एंटरटेनमेंट साउथ मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी अब इंडिया में बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी टॉलीवुड मूवीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि टॉलीवुड को इस लेवल तक ले जाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। पहले साउथ फिल्म स्टार्स ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते थे और इन फिल्मों को थिएटरों में भी रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बॉलीवुड स्टार से भी बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं एंड इन फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटर में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड साउथ फिल्म की ही होती है। जैसे जैसे लोग साउथ फिल्मों को पसंद करने लगे उस हिसाब से इन फिल्मों का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जोक्स एंड कॉमेडीज लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने और खुश करने लायक होते हैं। इसी वजह से भी जितनी पॉपुलैरिटी हीरो की है उतनी ही पॉपुलैरिटी साउथ मूवीज़ के कॉमेडियंस की भी होती है। एंड बात करें साउथ मूवीज़ की एक्ट्रेस की, तो इन एक्ट्रेस के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि साउथ फिल्म की एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ग्लैमरस होती है,
और लोग इन हीरोइन की अदाकारी और लुक्स पे मर मिटते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर्स भी टॉलीवुड में जुड़ने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, कई फिल्म मेकर्स एक्टर और एक्ट्रेस ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू कर चुके हैं। एंड दोस्तों, भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और ज़बरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था, तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था, उससे कहीं ज़्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों, 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वहीं दोस्तों, अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज़ की क्रेज़ देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितनी भी बॉलीवुड मूवीज़ बन के रिलीज हुई, उन सारी मूवीज़ ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज़ रिलीज हुई, वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था, वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला, उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई, उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यहीं पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज़्यादा पसंद करते हैं। लाइगर, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वही बता
दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है, आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दो कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की, तो बता दे कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दे कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं। एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे। तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है। इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं।
लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्स मैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दें कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहां भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। एक जमाना ऐसा था जहां साउथ इंडियन फिल्मों को कोई दिखता भी नहीं था, सब लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही दिखते थे और फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी भी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की ही होती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी साउथ इंडियन स्टार की है और फैन फॉलोइंग भी साउथ इंडियन स्टार की ही है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं साउथ मूवीज़ को, क्योंकि साउथ फिल्म की हर फिल्म अलग ही टाइप की होती है। जैसे लोग पसंद करते हैं एंड जैसे लोग ने सोचा होता है उसी हिसाब के एंटरटेनमेंट साउथ मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी अब इंडिया में बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी टॉलीवुड मूवीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि टॉलीवुड को इस लेवल तक ले जाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। पहले साउथ फिल्म स्टार्स ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते थे और इन फिल्मों को थिएटरों में भी रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बॉलीवुड स्टार से भी बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं एंड इन फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटर में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड साउथ फिल्म की होती है। जैसे जैसे लोग साउथ फिल्मों को पसंद करने लगे उस हिसाब से इन फिल्मों का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जोक्स एंड कॉमेडीज लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने और खुश करने लायक होते हैं। इसी वजह से भी जितनी पॉपुलैरिटी हीरो की है उतनी ही पॉपुलैरिटी साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस की भी होती है। एंड बात करें साउथ मूवीज़ की एक्ट्रेस की, तो इन एक्ट्रेस के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि साउथ फिल्म की एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ग्लैमरस होती है और लोग इन हीरोइन की अदाकारी और लुक्स पे मर मिटते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर्स भी टॉलीवुड में जुड़ने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, कई फिल्म मेकर्स, एक्टर और एक्ट्रेस ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू कर चुके हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफ़ी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफ़ी कुछ सीख पाते हैं और काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था,
उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की है एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही है। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे। तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है। इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दें कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहां भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती है। लाइगर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी
ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दे कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था। तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बता दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है, आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों, क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं, ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। एंड दोस्तों, भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था, तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था, उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों, 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वहीं दोस्तों, अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बनके रिलीज होती है। क्योंकि 2019 के बाद जितनी भी बॉलीवुड मूवीज बनके रिलीज हुई, उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई, वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं। क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था, वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला, उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई, उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यहीं पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफी ज्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज्यादा पसंद करते हैं।
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, एंड वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था, और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दें कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहां भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। एक जमाना ऐसा था जहां साउथ इंडियन फिल्मों को कोई दिखता भी नहीं था, सब लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही दिखते थे, और फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी भी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की ही होती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी साउथ इंडियन स्टार की है और फैन फॉलोइंग भी साउथ इंडियन स्टार की ही है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं साउथ मूवीज़ को, क्योंकि साउथ फिल्म की हर फिल्म अलग ही टाइप की होती है, जैसे लोग पसंद करते हैं एंड जैसे लोग ने सोचा होता है उसी हिसाब के एंटरटेनमेंट साउथ मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी अभी इंडिया में बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी टॉलीवुड मूवीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है।
आपको बता दें कि टॉलीवुड को इस लेवल तक ले जाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। पहले साउथ फिल्म स्टार्स ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते थे और इन फिल्मों को थिएटरों में भी रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बॉलीवुड स्टार से भी बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं एंड इन फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटरों में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड साउथ फिल्में की होती है। जैसे जैसे लोग साउथ फिल्मों को पसंद करने लगे, उस हिसाब से इन फिल्मों का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ मूवीज़ के कॉमेडियंस भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जोक्स एंड कॉमेडियंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने और खुश करने लायक होते हैं। इसी वजह से भी जितनी पॉपुलैरिटी हीरो की है, उतनी ही पॉपुलैरिटी साउथ मूवीज़ के कॉमेडियंस की भी होती है। एंड बात करें साउथ मूवीज़ की एक्ट्रेस की, तो इन एक्ट्रेस के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि साउथ फिल्म की एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ग्लैमरस होती हैं और लोग इन हीरोइन की अदाकारी और लुक्स पे मर मिटते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर्स भी टॉलीवुड में जुड़ने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, कई फिल्म मेकर्स, एक्टर और एक्ट्रेस ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू कर चुके हैं। लाइगर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई है एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड के काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दे कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वही बता कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है, तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है, उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की, तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस
फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दे कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। एंड दोस्तों भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वही दोस्तों अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितने भी बॉलीवुड मूवीज बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज रिलीज हुई वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफी ज्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कई ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल
बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है। इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। वही उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दे कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्स मैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। लाइगर जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई है एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई है। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दे कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दे कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड के काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दे कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। और फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वही बता कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्म बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है
आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी हैं। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कई ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे। तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है। इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वही उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा
खन्ना ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। एन दोस्तों भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एन वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है। क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वही दोस्तों अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है। क्योंकि 2019 के बाद जितने भी बॉलीवुड मूवीज बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज रिलीज हुई वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए हैं। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं। क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला उस टाइम से बॉलीवुड की जितने भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफी ज्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कई ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं। एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की हैं उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी
स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है। इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है, तो बता दें कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा, तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती है। लाइगर, जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस है जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था। तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बता
दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है। क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं। क्योंकि हम सबको पता ही है, आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपर स्टार विजय देवरकोंडा भी है। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दो कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दे कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दे कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। एक जमाना ऐसा था जहां साउथ इंडियन फिल्मों को कोई दिखता भी नहीं था, सब लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्में ही दिखते थे और फैन फॉलोइंग एंड पॉपुलैरिटी भी हॉलीवुड स्टार की और बॉलीवुड स्टार की ही होती थी। लेकिन अब सब बदल गया है, अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी साउथ इंडियन स्टार की है और फैन फॉलोइंग भी साउथ इंडियन स्टार की ही है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं साउथ मूवीज़ को, क्योंकि साउथ फिल्म की हर फिल्म अलग ही टाइप की होती है। जैसे लोग पसंद करते हैं एंड जैसे लोग ने सोचा होता है उसी हिसाब के एंटरटेनमेंट साउथ मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी अब इंडिया में बॉलीवुड से भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी टॉलीवुड मूवीज़ की है। जी हाँ दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आपको बता दें कि टॉलीवुड को इस लेवल तक ले जाने में टॉलीवुड फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स का सबसे ज़्यादा अहम भूमिका है। पहले साउथ फिल्म स्टार्स ज़्यादा स्टाइलिश भी नहीं होते थे और इन फिल्मों को थिएटरों में भी रिलीज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में स्टार बॉलीवुड स्टार से भी बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं एंड इन फिल्मों को हिंदी लैंग्वेज के साथ थिएटरों में भी रिलीज किया जाता है, क्योंकि इंडिया में लोगों को सबसे ज़्यादा डिमांड साउथ फिल्म की होती है। जैसे जैसे लोग साउथ फिल्मों को पसंद करने लगे उस हिसाब से इन फिल्मों का डिमांड भी ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस भी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि उनकी नेचुरल जोक्स एंड कॉमेडियंस लोगों को काफ़ी ज़्यादा हंसाने और खुश करने लायक होते हैं। इसी वजह से भी जितनी पॉपुलैरिटी हीरो की है उतनी ही पॉपुलैरिटी साउथ मूवीज़ की कॉमेडियंस की भी होती है। एंड बात करें साउथ मूवीज़ की एक्ट्रेस की तो इन एक्ट्रेस के सामने बॉलीवुड एक्ट्रेस भी फीकी पड़ जाती है, क्योंकि साउथ फिल्म की एक्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल, टैलेंटेड और ग्लैमरस होती है और लोग इन हीरोइन की अदाकारी और लुक्स पे मर मिटते हैं। एंड फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अब तो बॉलीवुड के एक्टर, एक्ट्रेस एंड फिल्म मेकर्स भी टॉलीवुड में जुड़ने लगे हैं। एंड फ्रेंड्स, कई फिल्म मेकर्स, एक्टर और एक्ट्रेस ने टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी डेब्यू कर चुके हैं। एंड दोस्तों, भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और ज़बरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज़्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है।
एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे। एंड वही दोस्तों अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितनी भी बॉलीवुड मूवीज बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाया और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे। और बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई वो सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यहीं पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफी ज्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफी ज्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन सुपर स्टार को लोग कितने ज्यादा पसंद करते हैं। साउथ सुपर स्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपर स्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपर स्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपर स्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपर स्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस हैं, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं, एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था, लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा
देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहां भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती है। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दे कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है। क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे। क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की हैं एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही हैं। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दे कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्समैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं, उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था। और वहीं जब सुपरस्टार विजय
देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दे कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती है। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता देखिए अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता देखिए एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वही बता दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपर स्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही है। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी हैं, तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं, ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है।
साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के उभरते सुपरस्टारों में से एक हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने कम समय में ही फिल्मी दुनिया में काफी बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। एंड वही दोस्तों आपको एक बात बता दें कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का नाम भी उन लिस्टों में शामिल है जो पॉपुलैरिटी के नाम पर मिसाइलें हैं, जिनको देखकर लोग काफी कुछ सीख पाते हैं और काफी इंस्पायर भी होते हैं। एंड दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को आप उन सुपरस्टार से भी कंपेयर कर सकते हैं जो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में फेमस है, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की मूवीज भी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में देखे जाते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि जब से सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की फिल्म अर्जुन रेड्डी को बॉलीवुड ने रीमेक किया था कबीर सिंह के नाम पर, तब से साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को लोग और भी ज्यादा जानने लगे, क्योंकि जितना अर्जुन रेड्डी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड रीमेक फिल्म कबीर सिंह पॉपुलर हुआ था। एंड उसके बाद सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने काफी सारे फिल्म की है एंड उन सब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रही है। एंड दोस्तों शायद आप लोग भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को काफी पसंद करते होंगे एंड उनकी मैक्सिमम फिल्में भी देखे ही होंगे, तो आपने काफी नोटिस भी किया होगा सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अब तक अपनी फिल्म करियर में जितने भी मूवीज की है उन सारी मूवीज में एक्शन से भी ज्यादा लव स्टोरी और रोमांस देखने को मिलते हैं। एंड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के लुक्स भी हर फिल्म में अलग अलग होते हैं, इसी वजह से भी विजय देवरकोंडा और भी ग्लैमरस और भी हैंडसम लगते हैं। जी हाँ, एंड दोस्तों बात करें उनकी फैन फॉलोइंग की, तो उनकी फैन फॉलोइंग इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग की बात, सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के फैन फॉलोइंग की लिस्ट में मेल से भी ज्यादा फीमेल शामिल है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की लुक्स और उनकी स्टाइल बॉयज से भी ज्यादा गर्ल्स को पसंद आती है, इसी वजह से भी सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चॉकलेटी हीरो का दर्जा दिया गया है। लेकिन दोस्तों फाइनली अब फिर से एक बार सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक नया अवतार में हम सबको दिखाई देने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब तक हमने सुपरस्टार विजय देवरकोंडा को फिल्म अर्जुन रेड्डी में डॉक्टर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं एंड डियर कॉमरेड में लीडर का रोल प्ले करते हुए देखे हैं, वहीं उसके बाद गीता गोविंदम में एक सच्चा आशिक का रोल प्ले करते हुए देखे हैं। लेकिन दोस्तों बता दें कि इस बार हम सबको ये फिल्म लाइगर में सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक अलग ही रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो है बक्सर का रोल। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इस बार हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा एक स्पोर्ट्स मैन यानी कि बक्सर की रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। इसी वजह से भी पहले फिल्म का नाम फाइटर रखा गया था लेकिन बाद में फिर फिल्म मेकर्स ने इस फिल्म का नाम लाइगर अनाउंसमेंट कर दिया था। जी हाँ, एंड अब दोस्तों ये फिल्म लाइगर के अंदर हमें सुपरस्टार विजय देवरकोंडा हैंड ग्लोव्स पहनकर रिंग्स के अंदर खतरनाक बॉक्सर के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या इस रोल को सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने बाकी फिल्म से खूबसूरत और जबरदस्त निभाते हैं उससे भी और खतरनाक निभाते हैं, ये जानने के लिए तो हम सभी को ये जबरदस्त फिल्म लाइगर कम्प्लीटली देखना होगा। लेकिन दोस्तों अभी तक इस फिल्म की शूटिंग भी कम्प्लीट नहीं हुई है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन की वजह से इस फिल्म की सारी शूटिंग को रोक दिया गया था और वहीं जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की ये फिल्म लाइगर बनकर रेडी होती है तो बता दें कि तब ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में 5 भाषाओं के साथ पूरी इंडिया भर में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दोस्तों तब रिलीज के बाद देखना ये है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट हो पाती है या नहीं हो पाती है, ये तो हम रिलीज के बाद ही पता करने वाले हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि फिल्म जब भी रिलीज होगा एंड जहाँ भी रिलीज होगा तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी फिल्म के रिकॉर्ड तोड़ देनी है, क्योंकि इस फिल्म के अंदर सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जो है, क्योंकि दोस्तों कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार्स के नाम से ही हिट हो जाती हैं। एंड दोस्तों भारतीय सिने जगत में अभी एक के बाद एक धमाकेदार और जबरदस्त फिल्म बनकर रिलीज हो रही है। एंड वहीं पहले इंडिया में बॉलीवुड के राज चलता था तो लेकिन अब कुछ सालों से टॉलीवुड का राज चलने लगा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में बनकर पूरे देश भर और दुनिया भर में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी कमाने लगे हैं। क्योंकि दुनिया भर में जो नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री ने कमाया था उससे कहीं ज्यादा अभी दुनिया भर में टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवी छाई हुई है। एंड इस इंडस्ट्री में एक के बाद एक ऐसी फिल्म बन रही है जो फैंस ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और दोस्तों 2015 में रिलीज हुई बाहुबली फिल्म की वजह से तो टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया भर में और ज्यादा क्रेज बढ़ने लगी। एंड इसके बाद टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे बिग ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में बनी जो कई सारी बॉलीवुड मूवीज को पीछे छोड़ देते थे।
एंड वही दोस्तों अब तो इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में टॉलीवुड मूवीज की क्रेज देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दें कि इंडिया में अभी बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड फिल्में बन के रिलीज होती है, क्योंकि 2019 के बाद जितने भी बॉलीवुड मूवीज बन के रिलीज हुई उन सारी मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर सोचे जितना कमाए और पॉपुलैरिटी कमाने में नाकामयाब रहे, और बॉलीवुड की जितने भी मूवीज रिलीज हुई वो सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुए। इसी वजह से भी अभी बॉलीवुड फिल्म मेकर्स कोई भी फिल्म और कोई भी सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने में डरते हैं, क्योंकि 2019 के बाद से बॉलीवुड की कई बड़े बड़े सुपरस्टार की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। एंड इसकी वजह है नेपोटिज्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही नेपोटिज्म के चलते बॉलीवुड के लोकप्रिय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी, उसी वजह से बॉलीवुड में जो भी और जितने भी नेपोटिज्म चल रहा था वो सारे के सारे बॉलीवुड के कारनामे पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गया। इसी वजह से जैसे ही पब्लिक को नेपोटिज्म के बारे में पता चला उस टाइम से बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में यूट्यूब पर रिलीज हुई उन फिल्मों को लाइक से भी ज़्यादा डिसलाइक मिलने लगे। यहाँ तक कि उस डिसलाइक की वजह से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स को यूट्यूब पर उन लाइक डिसलाइक बटन को हाइड करना पड़ा था। एंड पब्लिक अभी भी यही पर रुकी हुई नहीं है, क्योंकि पब्लिक अभी भी बॉलीवुड फिल्मों को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है जितना नेपोटिज्म विवाद से पहले देते थे। लेकिन अभी पब्लिक टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज़ के दीवाने हैं, क्योंकि टॉलीवुड फिल्म स्टार को अभी इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी उन स्टारों को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने फॉलो करते हैं। एंड हम उन फॉलोअर्स को देखकर यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सुपरस्टार को लोग कितने ज़्यादा पसंद करते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है लाइगर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हमें साउथ इंडियन मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट हैंडसम एंड मोस्ट टैलेंटेड सुपरस्टार विजय देवरकोंडा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस फिल्म के अंदर बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे भी इसी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अनन्या पांडे वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 2019 में अपने फिल्म करियर बॉलीवुड से स्टार्ट की थी। जी हाँ, बता दें कि एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने 2019 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से फिल्म में डेब्यू किया था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और लोगों ने भी काफ़ी पसंद किया था। उसके बाद अनन्या पांडे ने बॉलीवुड में काफ़ी फिल्में किए, उन फिल्म में से कुछ फिल्में हिट भी हुई हैं एंड कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं। वैसे में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा के साथ साउथ फिल्म लाइगर से खुद को फर्स्ट टाइम टॉलीवुड में डेब्यू करा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जैसे अमेरिकन फिल्मों को हॉलीवुड एंड हिंदी फिल्मों को बॉलीवुड कहते हैं, वैसे ही साउथ फिल्म यानी कि तेलुगु फिल्मों को टॉलीवुड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बता दें कि फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस बॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कितना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्म को ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन बता दें कि इस कंपनी ने 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तब से ये कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है। अब फाइनली फिर से एक बार धर्मा प्रोडक्शन कंपनी साउथ फिल्म लाइगर को प्रोड्यूस कर रहा है, जिस फिल्म के अंदर हमें बॉलीवुड और टॉलीवुड के काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। और वहीं बता दें कि मुख्य भूमिका में भी बॉलीवुड और टॉलीवुड के दोनों ही स्टार्स एक ही साथ काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये फिल्म रिलीज के बाद क्या क्या रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन दोस्तों अगर हम इस फिल्म को आज के डेट पर बॉलीवुड की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि दोस्तों बता दें कि आज के डेट पर जितने भी बॉलीवुड फिल्में बनकर रेडी होते हैं और रिलीज भी होते हैं, सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बुरी तरह से फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी हैं, तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस
पर काफ़ी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज़्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज़्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज़ को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है। दोस्तों आज की डेट में साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा फेमस है कि दुनिया भर के लोग इन मूवीज को देखना चाहते हैं, क्योंकि इन मूवीज में इतना दम होता है कि इन मूवीज में एक्शन भी होते हैं और लव स्टोरी भी होते हैं और साइंटिफिक भी होते हैं और थ्रिलर सस्पेंस हर मूवी हर टाइप की सीन इन मूवी में पाया जाता है। इसी वजह से भी दुनिया भर के साउथ इंडियन मूवीज़ के जितने भी फैंस हैं इन मूवीज़ को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इन मूवी यहाँ पहले साउथ इंडियन मूवीज जो रिलीज होता था वो तेलुगु लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज होते थे। अब इन मूवीज़ को सिनेमा घरों में हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के फैंस और इंडिया के फैंस देखते हुए इन मूवीज़ को अभी हिंदी में भी रिलीज करना पड़ रहा है, क्योंकि फैंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन मूवीज़ को देखे बिना कोई रह नहीं पाता है। तो साउथ इंडियन मूवीज़ की वजह से ही साउथ इंडियन मूवीज़ के जो सुपरस्टार है उनकी क्रेज़ भी दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड के लेवल में आ गई है। पहले इंडिया में बॉलीवुड ज़्यादा था, बॉलीवुड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी साउथ इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लोग इन मूवीज़ में जो मूवीज़ में देखने के बाद मूवीज़ देखने के बाद लोग जो चाहते हैं उन सीन इन मूवीज़ में पाया जाता है। इसी वजह से भी लोग इन मूवीज़ को देखना बहुत पसंद करते हैं। इन मूवीज़ को फैमिली के साथ बैठकर भी देखा जा सकता है, दोस्तों के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है और गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है। दुनिया में जितने लोग हैं उन लोग में से 99.99% लोग सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और किसी कोई पब्लिक को बॉलीवुड पसंद है, किसी को हॉलीवुड पसंद है और किसी को टॉलीवुड पसंद है। तो बात करते हैं साउथ इंडियन यानी कि टॉलीवुड मुझे लगता है जिसको हिंदी भाषा समझ में आता है उन सभी को टॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से भी इन मूवीज़ का क्रेज और इन मूवीज़ की पब्लिसिटी, जब ये मूवीज रिलीज होते हैं तब इन मूवीज़ की पब्लिसिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में होते हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी आप इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सर्च इन्हीं मूवीज़ को किया जाता है देखने के लिए हिंदी डब्ड में, क्योंकि सभी लोग को तमिल तेलुगु समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में आता है। इसी वजह से भी इन मूवीज़ को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए फैंस बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। दोस्तों आज की डेट में साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज़्यादा फेमस है कि दुनिया भर के लोग इन मूवीज़ को देखना चाहते हैं, क्योंकि इन मूवीज़ में इतना दम होता है कि इन मूवीज़ में एक्शन भी होते हैं और लव स्टोरी भी होते हैं और साइंटिफिक भी होते हैं और थ्रिलर सस्पेंस हर मूवी हर टाइप की सीन इन मूवी में पाया जाता है। इसी वजह से भी दुनिया भर के साउथ इंडियन मूवीज़ के जितने भी फैंस हैं इन मूवीज़ को देखने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि इन मूवी यहाँ पहले साउथ इंडियन मूवीज़ जो रिलीज होता था वो तेलुगु लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज होते थे। अब इन मूवीज़ को सिनेमा घरों में हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज़ किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के फैंस और इंडिया के फैंस देखते हुए इन मूवीज़ को अभी हिंदी में भी रिलीज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि फैंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि इन मूवीज़ को देखे बिना कोई रह नहीं पाता है। तो साउथ इंडियन मूवीज़ की वजह से ही साउथ इंडियन मूवीज़ के जो सुपरस्टार है उनकी क्रेज़ भी दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड के लेवल में आ गई है। पहले इंडिया में बॉलीवुड ज़्यादा था, बॉलीवुड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था,
लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि लोग इन मूवीज में जो मूवीज में देखने के बाद लोग जो चाहते हैं उन सीन इन मूवीज में पाया जाता है। इसी वजह से भी लोग इन मूवीज को देखना बहुत पसंद करते हैं। इन मूवीज को फैमिली के साथ बैठकर भी देखा जा सकता है, दोस्तों के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है, और गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है। दोस्तों आज की डेट में साउथ इंडियन मूवीज इतनी ज्यादा फेमस है कि दुनिया भर के लोग इन मूवीज को देखना चाहते हैं, क्योंकि इन मूवीज में इतना दम होता है कि इन मूवीज में एक्शन भी होते हैं और लव स्टोरी भी होते हैं और साइंटिफिक भी होते हैं और थ्रिलर सस्पेंस हर मूवी हर टाइप की सीन इस मूवी में पाया जाता है। इसी वजह से भी दुनिया भर के साउथ इंडियन मूवीज के जितने भी फैंस हैं इन मूवीज को देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार करते हैं, क्योंकि इन मूवी यहाँ पहले साउथ इंडियन मूवीज जो रिलीज होता था वो तेलुगु लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज होते थे। अब इन मूवीज को सिनेमा घरों में हिंदी लैंग्वेज में भी रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि दुनिया भर के फैंस और इंडिया के फैंस देखते हुए इन मूवीज को अभी हिंदी में भी रिलीज करना पड़ रहा है, क्योंकि फैंस इतने ज्यादा हो गए हैं कि इन मूवीज को देखे बिना कोई रह नहीं पाता है। तो साउथ इंडियन मूवीज की वजह से ही साउथ इंडियन मूवीज के फैन जो सुपरस्टार है उनकी क्रेज भी दुनिया भर में बॉलीवुड हॉलीवुड के लेवल में आ गई है। पहले इंडिया में बॉलीवुड ज्यादा था, बॉलीवुड का क्रेज बहुत ज्यादा था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि लोग इन मूवीज में जो मूवीज में देखने के बाद लोग जो चाहते हैं उन सीन इन मूवीज में पाया जाता है। इसी वजह से भी लोग इन मूवीज को देखना बहुत पसंद करते हैं। इन मूवीज को फैमिली के साथ बैठकर भी देखा जा सकता है, दोस्तों के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है और गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के भी देखा जा सकता है। दुनिया में जितने लोग हैं उन लोग में से 99.99% लोग सिनेमा देखते हैं, फिल्म देखते हैं, और किसी कोई पब्लिक को बॉलीवुड पसंद है, किसी को हॉलीवुड पसंद है और किसी को टॉलीवुड पसंद है। तो बात करते हैं साउथ इंडियन यानी कि टॉलीवुड। टॉलीवुड मुझे लगता है जिसको हिंदी भाषा समझ में आता है उन सभी को टॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से भी इन मूवीज का क्रेज और इन मूवीज की पब्लिसिटी, जब ये मूवीज रिलीज होते हैं तब इन मूवीज की पब्लिसिटी इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में होते हैं, क्योंकि यूट्यूब में भी आप इंटरनेट में भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा सर्च इन्हीं मूवीज को किया जाता है देखने के लिए हिंदी डब्ड में, क्योंकि सभी लोग को तमिल तेलुगु समझ में नहीं आता है, हिंदी समझ में आता है। इसी वजह से भी इन मूवीज को हिंदी लैंग्वेज में देखने के लिए फैंस बहुत ज्यादा वेट करते हैं। साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अपकमिंग फिल्म में से एक फिल्म है टाइगर। जी हाँ, वीडियो गेम में जो खून गिरेगा वो असली होगा, तुम्हारे दुश्मन असली होंगे जो तुम्हें मारने के लिए तैयार होंगे, मरना या फिर मारना तुम्हारे हाथ में होगा। फिल्म लाइगर में कुछ डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों लाइगर फिल्म जो तेलुगु फिल्म है यानी कि टॉलीवुड फिल्म है, लेकिन इस फिल्म को बॉलीवुड एक बार बता दें कि ये कंपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतना फेमस रह चुका है, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन कंपनी ने टॉलीवुड और बॉलीवुड की काफी बिग ब्लॉकबस्टर मूवीज को प्रोड्यूस कर चुका है। वैसे तो ये प्रोडक्शन कंपनी ज्यादातर बॉलीवुड फिल्मों को ही प्रोड्यूस करता है, 2015 में रिलीज हुई फिल्म बाहुबली को भी प्रोड्यूस किया था, तो कंपनी टॉलीवुड को भी प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है जिस फिल्म के अंदर बॉलीवुड और टॉलीवुड का एक्टर एक्ट्रेस
हम सबको पता ही है आज के डेट पर बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन वही इस फिल्म को तेलुगु की तरफ से देखा जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी काफी रिकॉर्ड बनाएगी और लोगों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगी। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के अंदर पब्लिक को काफी ज्यादा पसंद आने वाले सुपरस्टार विजय देवरकोंडा भी हैं। तो इस हिसाब से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी कुछ रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट पर इंडियन मूवीज के फैंस बॉलीवुड से भी ज्यादा टॉलीवुड को पसंद करते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जितना प्रमोटिंग इंटरनेट पर बॉलीवुड फिल्म की होती है उससे कहीं ज्यादा प्रमोशन लोग तेलुगु मूवीज को करते हैं। और आपको एक बात क्लियर कर दूं कि प्रमोटिंग से ही पब्लिक फिल्म के बारे में जान पाते हैं और देखने के लिए रेडी होते हैं। और बात करें फिल्म लाइगर की तो बता दें कि इस फिल्म का टाइटल पहले फाइटर रखा गया था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद इस फिल्म की टाइटल्स को फिल्म मेकर्स के द्वारा चेंज किया गया, जो अब इस फिल्म की टाइटल लाइगर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी को एक बात बता दें कि लाइगर यानी कि शेर। तो दोस्तों क्या सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म में शेर की तरह लोगों को दिखाई देंगे या कोई साधारण इंसान की तरह, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। और लोग भी इस फिल्म के बारे में किस टाइप्स की रिव्यू देते हैं ये तो जब फिल्म रिलीज होगा तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि जब सुपरस्टार विजय देवरकोंडा इस फिल्म के अंदर है तो फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर होने वाली है।